प्याप्यायन्तो ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यं मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मने निरतेय उपनिषस्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के ऊपर ही विचार चल रहा है। उद्गीत उपासना, उपासना कई प्रकार की होती है जिसका हम लोगों ने में संबंध भाष्य में विचार किया। जो उपासकों में जो उत्तम अधिकारी है उन्हीं के लिए कैवल्य सन्निकृष्ट फलक उपासना, जिसका विषय ईषत विकृत ब्रह्म सगुण ब्रह्म। क्योंकि उसका फल है ब्रह्मलोक, जो कि कैवल्य का सन्निकृष्ट होता है, इसलिए उपासना को बोलते हैं कैवल्य सन्निकृष्ट फलक। कैवल्य सन्निकृष्टम फलम यस्य उपासनस्य। और कुछ उपासना है कर्म समृद्धि फलक, जिसको कर्मांग अबद्ध उपासना बताए। और कैवल्य सन्निकृष्ट फलक उपासना सबसे नहीं हो पाती है, क्योंकि मंद बुद्धि वाले हैं। मंद बुद्धि वालों की प्रवृत्ति कैवल्य सन्निकृष्ट उपासना अहंग्रह उपासना में नहीं होती है। इसलिए कर्म से होने वाला जो फल है उस फल में समृद्धि हो जाए, इसलिए उपासना होती है। ओंकार को उद्गीत कहा और उपासना को उद्गीत उपासना शब्द से बोलते हैं, क्योंकि साम भक्ति का साम और पांच भक्ति का साम होता है। तो साम का एक अवयव होता है उद्गीत,
और उस उद्गीथा में जो ओमकार है उस ओमकार की यहाँ पर उपासना होती है, स्वतंत्र ओमकार की उपासना यहाँ पर नहीं है। तो ओमकार की उपासना करनी है परमात्मा बुद्धि से, परंतु ओमकार प्रतीकों में गुण, तीन प्रकार का गुण है, तो तीन प्रकार का गुण क्या है? तो एक तो है गुण बता दिया, सर्व कामाप्ति गुण है, और एक समृद्धि गुण है, और पहले एक गुण बता दिया था रसतमत्व गुण है ना। तीन प्रकार गुण से विशिष्ट ओमकार है। सबसे पहले रसतमत्व है, बहुषु रसेषु अतिशयः इति रसतम है। और दूसरा गुण क्या बताया? सर्व आप्ति गुण, सर्व फल प्रापकत्व। तो इस गुण विशिष्ट ओमकार की जो उपासना करेगा, जो उपासक है ऋत्विज, उनमें ये फल मिलेगा। अपने यजमान को फल प्राप्त करने की सामर्थ्य आती है उपासक में। और अंतिम बता दिया समृद्धि गुण, ये अष्टमंत्र। तो नव मंत्र में यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं ओमकारस्य गुणत्रय बतः सफलम उपासनम उक्तम, ऐसे करिएगा नव मंत्र। कहते हैं कि उपासना बताई आनंदगिरी में, उपासनम उक्तम। उपासना शब्द नपुंसक होता है और उपासना स्त्रीलिंग है। तो आवंत कर टाप करेंगे तो उपासना हो जाएगी, नहीं करेंगे तो उपासना नपुंसक होगा। तो उपासनम उक्तम, उपासना बताइए, फल के साथ बतलाइए। कुछ फल तो है यजमान को मिलता है, कुछ फल तो उपासक को मिल जाता है। इसलिए सफलम फलेन स वर्तते इति सफलम। तो किसकी उपासना? बोलते हैं ओमकारस्य उपासना। और ओमकार में तीन गुण बतलाया अभी, गुणत्रय बता, गुणानाम त्रयम इति गुणत्रयम, गुणत्रयम यस्य अस्ति इति क्या बनेगा? गुणत्रयवान, षष्ठी में गुणत्रयवतः। तो गुणत्रयवतः कस्य? ओमकारस्य, जो ओमकार है परमात्मा का प्रतीक है। तो ऐसे तीन गुण वाले ओमकार की उपासना अभी तक बतलाई अष्टम मंत्र तक, फल के साथ बतलाई। तो सारी विधि तो बता दी, उत्पत्ति विधि है, गुण विधि है, अधिकार विधि सब बतला दिया है। तथा च वक्तव्य अभावात, और कुछ कहले के लिए तो बाकी रहा नहीं, परिशिष्ट रहा नहीं। फिर अभी जो प्रारंभ कर रहे हैं नव मंत्र, वो प्रारंभ किमर्थ है, वो प्रारंभ किस लिए है? ये टीकाकार लिखते हैं, तेना यम इत्यादि वाक्यम, इत्यादि जो वाक्य है नव मंत्र से आगे, ये वाक्य का विचार क्या हो? अनर्थक हो के, वाक्यम अनर्थकम, इसलिए वाक्य में अनर्थक के दोष आया, फल राहित्य दोष आएगा। जिस वाक्य में कोई फल नहीं है तो निष्फलत्व जो होता है ना, जिसमें रहेगा उसमें अप्रामाण्य रहेगा, ऐसे मीमांसा में विचार आया श्लोक वार्तिक में। तो कहीं बाधित हो जाए तब भी अप्रामाणिक होता है,
और अज्ञात ज्ञापक हो जाए तब भी अप्रामाणिक होता है, और वाक्य निष्फल हो जाए तब भी अप्रामाणिक होता है। इसलिए यहाँ पर अप्रामाण्य दोष आएगा। टीकाकार के अनुसार तेना यम इत्यादि वाक्यम अनर्थकम, अनर्थक हो गया, मतलब इसमें कोई फल नहीं है, फल न होने से वाक्य में आएगा अप्रामाण्य दोष आएगा। इस अभिप्राय से कहा जा रहा है। अब देखो भाष्य में, अथ इदानीम अक्षरम, अक्षर है ओमकार, अक्षरम स्तौति, अक्षर जो है प्रणव परमात्मा का प्रतीक, उसकी स्तुति की जा रही है। स्तौति 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 का श्रुति, श्रुति जो है स्तुति करती है अक्षर ओमकार के, आचार्य के मुख से। स्तुतिर अनर्थक्यम, भाई स्तुति क्यों करते हो, स्तुति का भी कोई प्रयोजन होना चाहिए, बिना प्रयोजन से किसी की स्तुति नहीं की जाती है। कभी कभी तारीफ करता है मालिक करता है नौकर के, उसे काम लेना है ले उसकी तारीफ की जाती है। मान लीजिए कोई महंत नहीं है फिर भी उसको महंत बोलना पड़ता है, अरे भी आप तो यहाँ के महंत हो, तो ऐसा स्तुति करेंगे तो फिर और ज़्यादा काम करेगा, हाँ देखो मुझे महंत बोल रहे हैं। तो स्तुति निरर्थक नहीं होती है, तो स्तुति में जो है अनर्थक क्या है, यहाँ पर कोई फल तो नहीं देख रहा है, तो बोलते नहीं है। तो क्या है, उपास्यत्वात् प्ररोचनार्थम है। देखो यहाँ पर ओमकार जो है ना उपास्य है, परमात्मा की बुद्धि से ओमकार की उपासना की जाती है, हैं? और नाम और नामी में अभेद होता है, परमात्मा उपास्य होने से परमात्मा का प्रतीक भी उपास्य हो जाएगा। इसलिए उपास्यत्वात्, उपास्यत्वात् अध्ययन कर लीजिए, कस्य ओमकारस्य, ओमकारस्य उपास्यत्वात्, ओमकार जो अक्षर है उपास्य है। तो स्तुति करेंगे तो क्या होगा, प्ररोचनार्थम, प्ररोचन उसकी रुचि होती है उपासक की। इसलिए प्ररोचनार्थम, प्ररोचनम प्रश्न पूर्वकम प्रकटयति। तो यहाँ पर प्रश्न पूर्वक प्ररोचन को यहाँ पर स्पष्टीकरण करते हैं, कथम, ये देखो प्रश्न हुआ कथम, यहाँ पर प्रश्नवाचक होना चाहिए, कथम कैसे प्ररोचन हो रहा है। मंत्र देखिए अभी, तेनेयं त्रैविद्या वर्तत, ओमित्याश्रावयति, ओमिति संसति, ओमिति उद्गायति, एतस्येवा अक्षरस्य अपचित्ये महिम्ना रसेन। छांदोग्य में बहुत धैर्य चाहिए, सबसे ज़्यादा धैर्य कहाँ पर, छांदोग्य में होता है, प्रस्थान्तरी में, पांच अध्याय तो कैसे ही चलेगा। इसलिए जो है ज्ञान यज्ञ में सब जो है पीछे हट जाते हैं, भाई क्या चल रहा है, बोला छांदोग्य, अच्छा छांदोग्य चल रहा है, ऐसे लोग पूछते हैं। नहीं तो पूछेंगे तो कौन सा अध्याय चल रहा है, षष्ठ सप्तम है तब तो ठीक है। तो बोलते हैं तेना, तेना से लेना है अक्षरेणा, जिसका प्रसंग चल रहा है ओमकार अक्षर है ना, इसलिए त्रय गुण विशिष्ट ओमकारेणा तेना का अर्थ निकलेगा, तीन गुण विशिष्ट जो ओमकार अक्षर उसके द्वारा। यम त्रैविद्या वर्तते,
ये तीन प्रकार विद्या की प्रवृत्ति होती है। यहाँ पर विद्या का मुख्यार्थ है वेद, ऋग यजु साम वेद, और उसकी लक्षणा करनी है तीन वेद से संपादित कर्म में लक्षणा करनी है। विद्याजन्य कर्म, वेद विहित कर्म लक्षणा से, क्योंकि वेद से तो ही विधान होता है कर्म का। वेद विहितत्व नहीं कर्म विधेय होता है, वेद के बिना कर्म विधेय नहीं होता है। इसलिए हम विद्या की लक्षणा करिए कर्म में, वेद त्रय संपादित कर्म वर्तते, वो किससे होता? ओमकार से होता है, ओमकार के बिना नहीं होता है। ओमकार के बिना मंत्र होता नहीं, और मंत्र से देवता का स्मरण होता है। प्रयोग समवेतार्थ मंत्र स्मारका मंत्र है ना, और मंत्र तो ओमकार के बिना होता है नहीं। इसलिए कह रहे ओम इति, ओम ऐसे कह करके आश्रावयते, आश्रवण करता है कर्म कौन? अध्वर्य करता है, जो जुर्वेत विहित जो कर्म है उसको संपन्न करता अध्वर्यो। इसलिए ओम ऐसा करके ही जो जुर्वेत से विहित कर्मों को संपन्न करता है कौन? अध्वर्यो। और ओमिति संसति, होता होता होता, तो ऋग्वेद से विहित जो कर्म है उसका संपादन होता करता है ना। ये ओम ऐसा करके देवताओं की स्तुति करता है, होता है, और उद्गान करता है, उद्गाता, सामवेद के मंत्रों का गान करेगा। ओमिति उद्गायति, अध्यार कर लो कह उद्गाता। इसलिए ओम के बिना तो कर्म होता ही नहीं। इति एतस्यैव अक्षरस्य, ये सब जो है कर्म, ये कर्म ही पूजा है ये। तो परमात्मा की पूजा ही कर्म है, और परमात्मा का प्रतीक हो गया ओमकार, इसलिए कर्म के द्वारा ओमकार की ही पूजा है ये बोलते हैं। देखो एतस्यैव अक्षरस्य अपचित्ये, यही जो अक्षर है, तीन गुणा विशिष्ट जो अक्षर है, यहाँ पर अक्षर से परमात्मा नहीं लेना है, अक्षर शब्द से वर्णात्मक जो ओमकार है, वर्णात्मक जो ओमकार है उसी की ही यहाँ पर क्या है अपचिति। अपचिति का अर्थ है पूजा, अपपूर्वक चिति है, तो चिति का अर्थ है अपचिति का, तो पूजा लेना है, चीं चयन से करो अपपूर्वक चीं चयन, तीन प्रत्यय करने पर हो जाएगा अपचिति। अपचिति का अर्थ है पूजा, चतुर्थी एक वचन में अपचित्ते, पूजा के लिए सब किसके द्वारा है? कर्म होता है कर्म रूपी पूजा। बोलते हैं कि महिमना रसे न, ये जो महत्व वाला जो रस, यहाँ पर प्राण को लेंगे, प्राण है, पति है, पत्नी है, यजमान है, इंद्रिय है, ऋतु यजमान, सब से लिए यहाँ पर रस शब्द से लीजिए। अब ब्रीजवादि भी, ये भी रसी है, हवि आदि ये भी रसी है, प्राणादि हो गए महत्व विशिष्ट प्राणादि, और रस होते अन्न का विषा ब्रीजवादि, इसी के द्वारा ही कर्म किया जाता है, कर्म ही पूजा है, परमात्मा की पूजा है कर्म, और परमात्मा का प्रतीक हो गया ओमकार, इसलिए कर्म भी ओमकार की ही पूजा हुई, इसी प्रकार से ओमकार की स्तुति होती है। टीका है देखो, त्रयी विद्या इत्यस्य उपचरितार्थत्वं कथयते। देखो मंत्र में आया ना त्रयी विद्या,
विद्या का मुख्य अर्थ हो गया वेद, वेद है। चतुर्विधा पुरुषार्थः तदुपायश्च विद्यते ज्ञायते अनया इति विद्या, है ना। चार प्रकार की पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के साधनों का ज्ञान किससे होगा? विद्या से तो होगा, वेद से। ये वेद को यहाँ पर विद्या शब्द से कह दिया, विद्या का साधन होने से विद्या कहा वेद को, ये मुख्यार्थ है। लेकिन यहाँ पर विद्या से वेद को नहीं लेना है, ये टीकाकार कह रहे। त्रिविद्या इत्यस्य उपचरितार्थतम, ये उपचरित अर्थ को लेना है। उपचरितम अर्थम यस्य, कस्य कस्य विद्या शब्दस्य, इसलिए विद्या शब्द यहाँ पर उपचरित अर्थ, गौण अर्थ है, मतलब लाक्षणिक अर्थ है। इसको यहाँ पर कह रहे हैं त्रिविद्या। भाष्य में देखो है, तेन अक्षरणा प्रकृतेन इयम् ऋग्वेदादि लक्षणा। देखो ये मुख्यार्थ हो गया, विद्या का मुख्यार्थ हो गया ऋग्वेदादि स्वरूप। ऋग्वेदादि ही लक्षणम स्वरूपम यस्याः, सा विद्या ऋग्वेदादि लक्षणा, ये मुख्यार्थ हो गया। और उसका लाक्षणिक अर्थ कर्म को लेना है, ये कह रहे हैं। देखो त्रैविद्या विहितम कर्म इत्यर्थ, त्रैविद्या विहितम, त्रैविद्या यद विहितम कर्म, है ना, इत्यर्थ कस्य विद्या शब्दस्य। अब कहते हैं कि किमिति श्रुतम त्यक्त्वा व्याख्यायते तत्र, किमिति श्रुतम त्यक्त्वा, जो मुख्यार्थ जो सुना गया है विद्या शब्द का, मुख्यार्थ को छोड़ करके, वाचार्थ को छोड़ करके लाक्षणिक अर्थ का व्याख्यान कैसे करते हैं? तो कह रहे देखो, नहीं त्रैविद्या, भाष्य में नहीं त्रैविद्या एव अश्रवणादिभिर् वर्तते। देखो भी आश्रवणादि के द्वारा, आश्रवण है, संसन क्रिया है, उद्गान क्रिया है, इसके द्वारा तो भेद होता नहीं, भेद तो अनादि है। ये कह रहे नहीं त्रैविद्या एव आश्रवणादि भीर मतलब क्रिया भीर वर्तते, हैं तीन प्रकार जो विद्या रूपी जो वेद रूपी जो विद्या है, इसके द्वारा तो संपादन तो नहीं होता है, भेद तो अनादि है। ये कह रहे हैं क्रिया, ये जो अधर जो है ना, ऐसे ओम ऐसे उच्चारण करके अपना कर्म करता है, उच्चारण कौन सा वेद, जोजुर्वेद, जोजुर्वेद मंत्र का उच्चारण करता है, उच्चारण रूप क्रिया को यहाँ पे करता है आश्रवण, आश्रवित है ना, वहाँ पर भी ओमकार के बिना तो होगा नहीं ऐसा। ये पारिभाषिक शब्द आश्रवय, इस प्रकार संसन वहाँ पर जो कौन सा है, होता होता करेगा, ऋग्वेद के मंत्र का जो है ना, मंत्र के द्वारा स्तुति, स्तुति रूपी क्रिया, देवताओं की स्तुति होती है, उसको वहाँ पर संसन शब्द से कहा गया ऐसा आता है। और सामवेद का ज्ञान रूपी क्रिया होती है, उसको बोलते उद्गान, सही मंत्र का उच्चारण को उद्गान नहीं कहा जाएगा, सामवेदीय मंत्र का उच्चारण को उद्गान कहा जाता है, ये सब पारिभाषिक शब्द होता है कर्मकांड में। इसलिए तो पहले प्राचीन काल में ये सब वेदांग पढ़ने के बाद वेद पढ़ते थे, शिक्षा कल्प आदि पहले वेदांग का अध्ययन होता था, उसके बाद वेद का होता था, है ना। वहाँ पर निरुक्त है, निरुक्त ग्रंथ में सब पारिभाषिक शब्द का अर्थ देते हैं, वैदिक शब्द का। चलो देखो भाई, हाँ तस्याः
स्वरूप लाभस्य, देखो समझ में रहे ना कि यहाँ पर लाक्षणिक अर्थ विद्या शब्द का क्यों ले रहे हो, कर्म में मुख्यार्थ क्यों नहीं लेते हैं, इसका उत्तर दिया जा रहा है। ठीक है, मैं तस्याः स्वरूप लाभस्य अनादित्वेन हेतु अनपेक्षित्वात् इत्यर्थ। देखो भाई, जो तस्या मतलब कस्या विद्याया, विद्या कौन, यहाँ पर तीन वेद, तीन वेद रूपी जो विद्या है ना, उसका स्वरूप का जो लाभ मतलब स्वरूप से ही विद्यमानता, वो तो पहले से हो अनादित्वेन, है ना, तो अनादि होने से वो वेद तो पहले से ही है। वो हाँ, जो पहले से अनादि है उसमें हेतु की अपेक्षा नहीं होती। हाँ, जो शादी होता है ना वहाँ पर हेतु की अपेक्षा होती है, और अनादि के लिए हेतु की अपेक्षा नहीं होती है। हेतु की यदि अपेक्षा हो जाए ना तो वेद क्या होगा, शादी हो जाएगा, अनादि नहीं होगा। इसलिए मीमांसा लोग वेद को अनादि मानते हैं, अनादि भी है और नित्य भी है, और हम लोग सापेक्ष नित्य कहते हैं। हाँ, ये गुरु अध्ययनम पूर्वम, हाँ वेदाध्ययनम है ना, वेदाध्ययनम गुरु अध्ययन पूर्वकम, हाँ वेदाध्ययनत्वात्, हाँ अधुना अध्ययनम यथा, ये कुमारिल ने ये अनुमान किया। देखो, वेदाध्ययनम सर्वम गुरु अध्ययन पूर्वकम वेदाध्ययनत्वात्, हाँ अधुना अध्ययनम यथा, इस अनुमान से वेद में नित्यत्व सिद्ध करते। अभी भी जैसे वेद को गुरु परंपरा से अध्ययन करते हो, पहले भी वेद का अध्ययन गुरु, हाँ गुरु शिष्य की परंपरा से होता है, इसलिए वेद अनादि है। तो अनादित्वेन अनादि होने से क्या हुआ, हेतु अनपेक्षित्वात्, यहाँ पर कोई हेतु की अपेक्षा नहीं है। परमात्मा उच्चारण करते हैं, ब्रह्मादि को सुनाते हैं, वो अलग प्रसंग है, लेकिन वेद की अनुपूर्वी तो पहले से होती है। अच्छा, कर्मापि कथम आश्रवणादिभिर आत्मनम लभते है। देखो, कर्म जो होता है, लक्षार्थ हो गया कर्म विद्या शब्द का, कर्म जो है लक्षार्थ, आश्रवणादिभिर, आश्रवणादि हो गया क्रिया है ना, इसके द्वारा जो है आत्मानम लभते कथम, आत्मा का अर्थ स्वरूप, कर्म का जो स्वरूप की जो प्राप्ति होती है आश्रवणादि क्रिया के द्वारा कैसे होती है। तत्राह, ये देखो भाष्य में कहते, कर्म तो तथा प्रवर्तते, कर्म तो आश्रवणादि मंत्र के द्वारा ही संपादित होता है, मंत्र के बिना तो कर्म का संपादन होगा नहीं। इसलिए विद्या का अर्थ वेद न लेकर के वेद विहित कर्म से लेना है, ये बोलते हैं। यहाँ पर पूर्ण विराम दीजिएगा, कहाँ पर आश्रवणादि भीर वर्तते, यहाँ पर पूर्ण विराम, आगे अलग वाक्य है, कर्म तो तथा प्रवर्तते इति प्रसिद्धम, ये तो प्रसिद्ध है परंपरा में, ये प्रसिद्ध है। टीका है, प्रसिद्धम एव प्रपंचयते, ये प्रसिद्ध है, कर्म का संपादन इसी से होता है, कर्म तो अनादि ही नहीं, वेद अनादि है, ये प्रसिद्ध है। कथम, प्रश्न, ये कैसे होता है प्रसिद्ध कर्म, संपादन होता है इससे। देखो लिखे, ओमिति आश्रवयति, ओमिति संसति, ओमिति उद्गायति, ये देखो तीन प्रकार के कर्म इसी से होता है। टीका थोड़ी सी, आध्वर्य, क्या लिखे हैं भाई, आध्वर्यव, ठीक है, आध्वर्यव होत्र उद्गात्र समाहारस्य दर्शपूर्ण मासादिषु असंभवात्, अग्निष्टमादिषु च संभवात्। इसलिए तत्
त्रितयम् समाहारात् लिंगात् ओंकारणा प्रवर्तमानं त्रयविहितं कर्म सोमजागः इति प्रतिभाति इति आह लिंगाच्च। भाष्यमरण लिंगाच्च, ये तीन प्रकार जो लिंग है ज्ञापक सामर्थ्यम सर्वशब्दानं लिंगम इत्यवि दीयते। लिंग यहाँ पर ज्ञापक शब्द है। ये तीन प्रकार शब्द कौन? आश्रवयते, संसते, तीसरा उद्गायत। ये लिंग वाक्य हो गया। इसी से यहाँ पर सोमजाग को लेना है, सभी जाग को नहीं लेना चाहिए, ये टीकाकार का कहना है। कैसे? देख लो, आध्वर्य व अध्वर्य के द्वारा संपादित कर्म को बोलते हैं आध्वर्य व अध्वर्यो हो इदम इति आध्वर्यवम, ऐसा करना। अध्वर्यो कौन? यजुर्वेद का जो है संपादन करने वाला ऋत्विज है ना, उसके द्वारा होने वाला कर्म। और कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो होता होता है उसके द्वारा संपादित कर्म, उसको बोलते हैं होत्र। होत्री का षष्ठी वजन क्या बनेगा? होतुः। होतुः इदम् इति होत्रम्, होता से संपादित कर्म। और तीसरा हो गया उद्गात्र। उद्गाता होता है ना, उद्गातुः इदम् इति उद्गात्रम्। देखो तीन प्रकार का समाहार कहा। हाँ, तो ये जो होता है दर्शपूर्ण मासादिशु असंभव, दर्शपूर्ण मास में ये तीनों का समाहार नहीं होता है। और अग्निष्टमादि में तो संभव है, अग्निष्टम जाग में त्रितय समाहारात, तीनों का समाहार न समुदाय हो गया। इसलिए लिंगात, इस लिंग से, लिंग वाक्य से, इसलिए कौन सा कर्म को लेना है? सोम जाग, जिस कर्म में सोम की प्रधानता होती है, सोम द्रव्य की, वो होता है सोमजाग। इसलिए ओमकार से जो प्रवृत्त हो रहा है कर्म, तीनों के द्वारा जो विहित हो गया त्रय विहितम कर्म, कौन होता है? सोमजाग इति प्रतिभाति, ये यहाँ पर भासता है, निश्चय होता है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर लिंगाच्य, मतलब लिंग वाक्यत, लिंग वाक्य से सोमजाग इति गम्यते। सोमजाग यहाँ पर निश्चय किया जाता है। गम का अर्थ ज्ञान, गम्यते का निश्चय ज्ञायते। लेकिन ओमकार के बिना कर्म होता नहीं, इसलिए ओमकार की यहाँ पर स्तुति हो रही है। श्रवति अनोम कृतम कर्मा इति न्याय, ये देखो न्याय है भाई, ये जो ये न्याय है, हाँ, ये सार्वत्रिक न्याय है, सिद्धांत है कर्म में। तो श्रवति अनोम कृतम कर्म, कर्म श्रवति, कर्म नष्ट हो जाता है, फल दिए बिना नष्ट हो जाएगा कर्म, ये बोलते हैं श्रवति। यहाँ पर श्रु का अर्थ नाश, श्रवति का नश्यति, नश्यति नश्यति किम कर्म, कौन सा कर्म? अनोम कृतम, ओम कारणा कृतम इति ओम कृतम, न ओम कृतम इति अनोम कृतम, नहीं तत्पुरुष समास हुआ। मतलब ओमकार के बिना किया गया कर्म वो कैसा होता है? श्रवति, नष्ट हो जाता है, फल नहीं देता है, जितना फल होना चाहिए उतना फल नहीं मिलेगा, समय व्यर्थ होगा, ये न्याय होता है। इसलिए बोलते हैं ओमकारेण वेदिकस्य कर्मणा, जो वेदिक कर्म होता है, ओमकार के बिना वेदिक कर्म नहीं होता है ना, हाँ, इसलिए विधिवत कर्म करना चाहिए। वेदिकस्य कर्मणा स्थिति, वेदिक कर्म की जो स्थिति होती है ना, संपादन होता है ओमकार से होता है, बिना ओमकार मंत्र से कर्म नहीं होता है। ये बोलते इति, इसलिए जो है स्तुतिम विधाय, स्तुति करके, विधाय का अर्थ कृत्वा, विपूर्वक धा धातु का अर्थ करोति होता है, इसलिए विधाय का अर्थ कृत्वा, निधाय हृदय विश्वेशम, विधाय गुरुवंदनम, गुरुवंदनम कृत्वा,
ठीक इसी प्रकार से स्तुतिम विधाय मतलब स्तुति करके, है ना। हाँ, विधा में क्या विभक्ति है विवेक, क्या ये चतुर्थी वचन किसका, किसका चतुर्थी वचन भाई कृत्व आप लोगों को बोल दिया, इसलिए भाई लेवंत है ये। बी पूर्वक धा को त्वा करेंगे, त्वा को लेप होता है, समा से नय पूर्वे त्यो लेप, ये विधाय लेवंत है। त्वा तसुन कसुना से अव्यय संज्ञा हो जाएगी, और अव्यय यदाप सुपह, ये अव्यय होता है विधाय मतलब करके, ठीक है ना भाई। विधाय कृत्वा हो गया करके, ठीक है। स्तुत्यंतरम चतुर्थी करने से क्या हो जाएगा फिर, तो अर्थ कहाँ बैठेगा, चतुर्थी करेंगे तो अर्थ नहीं बैठेगा ना, तो के लिए हो जाएगा फिर स्तुति करने के लिए हो जाएगा, ऐसा अर्थ नहीं होता, शब्द बनता भी नहीं चतुर्थी में। स्तुत्यंतरम हाँ, दूसरी स्तुति है, दूसरी स्तुति को यहाँ पर कहते हैं तच्च कर्मा, वो जो कर्म हो रहा है ना, तीन वेद से विहित कर्म। तच्च कर्म का अर्थ सोम जाग रूपी कर्म, ठीक है, और तीन वेद से विहित कर्म, कर्म तो है ना तीन से संपादित हो रहा है। एतस्य एव अक्षरस्य, ये जो अक्षर ओमकार, ओमकार की स्तुति ना हो रही है, हाँ इसलिए स्तुति की जाती है। जैसे नर्मदस्य की स्तुति करते के ना, ये नर्मदा से हम लाए हैं, स्तुति की जाती है ना, उपासना में फिर रुचि हो जाती है। इसलिए मैं तुमको शालिग्राम दे रहा हूँ, बोलते ना महात्मा लोग, हाँ कहाँ से लाए हैं महाराज, भाई वहाँ पर गंडकी नदी से आए लाया, मैं स्वयं उठा कर लाया हूँ, बोलते कि नहीं। ऐसा बोलने से क्या होता है, वो उपासक की फिर जो है रुचि होती है उपासना करने के, है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर ये कर्म जो ये पूजा हो रही है, पूजा हो रही है, कर्म पूजा है, किसके लिए है, बोलते हैं ओमकार के। एतस्यैव अक्षरस्य अपचित्यै, अपचित्य देखो मंत्र में है, मंत्र में ना अपचित्यै, अपचित्य का अर्थ पूजार्थम, पूजार्थम मतलब पूजायाः, पूजायाः इयम, है ना, इति पूजार्थ इदम होगा, पूजायाः इदम यदि पूजार्थम, ये पूजा के लिए, पूजा के लिए। अपचित्य का अर्थ कर दिया पूजार्थम, पूजा के लिए, किसकी पूजा, ओमकार अक्षर की पूजा है, है कि नहीं। कौन पूजा हो गई, कर्म, कर्म ही पूजा है कि नहीं, ओमकार की पूजा हो जाती है। अच्छा है, अब आगे कहते हैं भाई पूजा तो परमात्मा की होती है, हाँ ओमकार की पूजा कैसे हो गई, कर्म के द्वारा पूजा किसकी होती है, परमात्मा की पूजा होगी, है ना भाई, जो है ओमकार की पूजा कैसे होगी, ये कह रहे देखो। कथम पुनर अक्षरम कर्मणा पूज्यते, कर्म के द्वारा पूजा जो है परमात्मा की तो हो सकती है, अक्षर ओमकार की पूजा कैसे होगी, पत्थर की तो पूजा नहीं की जाती है, परमात्मा की पूजा की जाती है। इसी प्रकार लोग शंका करते हैं, इसलिए लोग हंसते हैं कि नहीं दूसरे धर्म वाले, है देखो पत्थर की पूजा कर रहे हैं लोग, पूजा तो भगवान की जाती है, और भगवान कहाँ पर है, वो हृदय में है, सर्वत्र है कि नहीं, इसलिए प्रतीक नहीं है ना। आर्य समाज वाले भी नहीं करते हैं, नहीं करते ना लोग भी, हाँ एक बार जो शास्त्रार्थ हो गया काशी में, शास्त्रार्थ हो गया तो फिर जो महात्मा की बड़ी युक्ति होती है ना, बड़ी युक्ति महात्मा की होती है, अरे महात्मा ने कहला वो तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इनको मैं सबको सबक सिखाऊँगा। तो उसने किया कि फोटो लेकर गया था, फोटो चित्र लेकर गया था वे किसका, हाँ भाई वो दयानंद स्वामी जी का, चित्र को रख दिया, एक जूता मारा उसको,
किसको? वो चित्र को सब लोग आर्य समाज ही बोले, दौड़ कर आ गए। तब पागल हो गए? मैं तो ये कह रहा तुम लोग पागल है। मैं तो चित्र को मारा, ये तुम्हारे थोड़ी है। हाँ, ये तो तुम्हारे स्वामी जी ने ना है। बोल रहे फिर कौन भाई? हमारे स्वामी जी के क्या? स्वामी जी के चित्र है, चित्र मतलब प्रतीक है ये। हम भी तो यही कहते हैं, हाँ जो मूर्ति है ये भी परमात्मा का क्या है? प्रतीक है। लेकिन इस भी अगर महात्मा की बड़ी युक्ति होती है। हाँ, तो एक बार ऐसा भी हुआ था, एक स्वामी जी बता रहे थे, मंत्री जी महाराज बता रहे थे, उधर आगरा के पास कहीं जो है वो शिव जी का मंदिर है, और हम लोग जो छोटे छोटे थे ना, तो उसमें एक बार हो गया कि जो है अब तो विश्व का प्रलय हो जाए, कुछ गिरने वाला था ना उसमें। कब की बात है? बहुत पहले हम लोग छोटे थे, हैं 75 के आसपास है, तो सारा विश्व का प्रलय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, है ना। इसलिए जो खाना पीना है जो कर लो। लेकिन एक महात्मा ने बड़ी युक्ति लगाई, तो उसने जो है क्या किया, सुबह सुबह जो है वो चले गए शिव जी के मंदिर में, दूध लेकर चले गए। हाँ, तो बोले कि मुझे जो है भगवान का, हाँ जो स्वप्न में आकर कहा विश्वनाथ जी ने, जो मुझे दूध चढ़ाएगा वो बचेगा, उनका कुछ नहीं होगा। तो महात्मा ने दूध चढ़ाने गए, सब आर्य समाज वाले सब उसके पीछे पीछे, क्या चढ़ाने के लिए। और महात्मा, अरे तुम लोग तो मानते नहीं है, अब क्या हो गया? भाई सबकी श्रद्धा रहती है, भले ही ना बोले, प्रतीक में तो श्रद्धा तो रहती ही रहती है कि नहीं? तो देखो, तो ये शंका होगी, पहले शंका सुन लो भाई। पूजा तो परमात्मा की होती है ना, कर्म की पूजा कैसे होगी, मतलब ओमकार की पूजा कैसे होगी? हाँ, क्या उत्तर देते हैं भगवान? कहते हैं कि परमात्मा प्रतीकम ही तत्, परमात्मा को प्रतीक है वो। परमात्मा के प्रतीक कौन? ओमकार। ओमकार रूपी जो अक्षरम है परमात्मा का प्रतीक है वो। अच्छा, तस्य प्रतीकत्वे किम स्यात्, है ना। बोले तस्य कस्य? ओमकार से, है ना। ओमकार जो है परमात्मा का प्रतीक है, तो होने दो। प्रतीक होने से क्या हुआ? प्रतीक होने से क्या हुआ है? तो परमात्मा नहीं ना है ये, ये अभिप्राय है। बोलते हैं देखो क्या कह रहे हैं भाष्य में, तद अपचिति ही परमात्मन एव सा है। सा मतलब पूजा। तद अपचिति ही, तद से क्या लेंगे? ओमकार। ओमकार की जो पूजा है ना, वो परमात्मा की पूजा है। ओमकार की पूजा होने से परमात्मा की ही पूजा हो जाती है, ये कह रहे हैं। अपचिति स्त्रीलिंग ना है, इसलिए साथ है वो पूजा। ओमकार की पूजा होने से परमात्मा की ही पूजा होती है, और करते करते तो फिर जो है परमात्मा प्रधान हो जाता है, और प्रतीक गौण हो जाएगी, संपत उपासना हो जाएगी। करते करते उपास्य प्रधान और प्रतीक गौण हो जाएगा, करते करते भी अहमग्रह उपासना भी हो जाएगी, अंत में अवैध हो जाएगा। टीका थोड़ी सी लीजिए। हाँ, ननु कर्मणा परमात्मा चेत आराध्यते। देखो भाई, कर्म से परमात्मा की पूजा हो जाती है, कर्म से। हाँ भाई, यही यही देखो उत्कृष्ट साधन है। जो भी कर्म करता हूँ वैसे ये गुरु की सेवा है, मानते हैं ना। देखो आश्रम में जिसके प्रति गुरु की निष्ठा होती है ना, केवल गुरु का पांव दबाना यही पूजा है क्या? तो कितने लोग गुरु जी के पांव दबाएंगे, दर्द नहीं हो जाएगा? जो कुछ भी सेवा करते हैं गुरु की सेवा ये होती है ना। इसलिए जो कुछ भी कर्म करता हूँ परमात्मा का है, परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, इसलिए परमात्मा की पूजा हो जाती है।
कर्मणा परमात्मा चेत आराध्यते, कर्म रूपी साधन से परमात्मा की आराधना हो जाती है। तरही तब तो तत्प्रतीकत्वात् अक्षरस्यापि तेन आराधनम स्यात्। ओमकार का ओमकार हो गया प्रतीक परमात्मा का, है कि नहीं? इसलिए तेन आराधनम स्यात्। तेन मतलब क्या है? कर्मणा, कर्म के द्वारा ओमकार की आराधना हो। लेकिन न च ईश्वर तेन आराध्यते, लेकिन कर्म के द्वारा तो भाई ईश्वर की आराधना नहीं होती है, है ना? तेना मतलब के ना, कर्मणा ऐसा लगाना, कर्म के द्वारा ईश्वर आराध्यते, ईश्वर की आराधना होती है कर्म के द्वारा। इति प्रमाणम न च प्रमाणम, ठीक है? न च का अन्वय किधर लेना है भाई? प्रमाण के साथ करो, हाँ, नहीं तो उल्टा पुल्टा नहीं करना है। तेना ईश्वर आराध्यते, कर्म के द्वारा ईश्वर की आराधना होती है, ये जो आप कहते हो, पूर्व पक्षी कह रहे है ना, इति प्रमाणम न च, प्रमाण नहीं है। न च प्रमाणम अस्ति, मतलब प्रमाण के ऊपर यहाँ पर आक्षेप किया, प्रमाण के ऊपर मतलब कर्म करेंगे तो परमात्मा की उपासना हो जाती है, ये कैसे, इसमें क्या प्रमाण है? तत्र आह, देखो भगवान कहते हैं, सकर्मणा तमाभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः इति स्मृतेः, इति स्मृतेः प्रमाणात्। स्वकर्मणा, ये देखो क्या बोलते हैं, स्वकर्मणा का अर्थ, हाँ, स्वस्य कर्म इति स्वकर्म, है ना? अपना कर्म कौन है, कैसे पता लगेगा? अपनी बुद्धि से नहीं होता, शास्त्र से ही। जिसके लिए वर्णाश्रम के द्वारा जिसके लिए जो विहित हो गया वो उनका कर्म है। भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने यही कहा, वहाँ पर विधान किया, ब्रह्मसूत्र में भी है, गीता में भी कही है, जिसके लिए जो कर्म का विधान किया गया शास्त्र से वो उसके लिए वो कर्म होता है। टीकाकर भी लिख रहे, देखो वर्णाश्रम विहिते न, देखो लिखे हैं भाई, वर्णाश्रम के द्वारा विहित कर्म होता है ना? उस कर्म के द्वारा क्या होता है, उस कर्म से ईश्वरम प्रसाद्य है, देखो ईश्वर प्रसन्न होते है, ईश्वर प्रसन्न, ईश्वर की कृपा उससे होती है, अपने वर्णाश्रम के विहित कर्म के द्वारा ही ईश्वर की प्रसन्नता होती है, ईश्वर का अनुग्रह होता है। इसलिए भगवान भी वहाँ पर कहाँ पर अपरोक्ष अनुभूत, अपरोक्ष अनुभूत में भी यही कहा, सवर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनम च प्रभवित पुंसा वैराग्यादि चतुष्टयम्। ये देखो आप कहते हैं विवेक वैराग्य समाधि षड संपत्ति और क्या है, हैं, मोमोक्षित्व, है ना विवेक सामने हो तो, लेकिन प्रधानता भगवान भाष्यकर किसको लेते हैं, प्रधानता वैराग्य को, वैराग्य और मोमोक्षित्व को, दोनों को। यद्यपि विवेक के बिना वैराग्य नहीं होगा, बात सही है, लेकिन प्रधानता तो वैराग्य की होती है। इसलिए वैराग्यादि चतुष्टयम ऐसा कहा, नहीं तो विवेकादि चतुष्टयम ऐसे ही बोल सकते थे, लेकिन ऐसा होता है, लेकिन कहीं कहीं विवेक तो होता है, लेकिन तीव्र वैराग्य ना होने से समदमादि हो भी गया तब भी समदमादि क्या होते है, व्यर्थ तो हो जाते है ना? फिर अधिकारिणम आशास्ते फल सिद्धिर विशेषतः, भगवान भाष्यकार ने विवेक चुड़ावणे में कहा है। चलो तो कहते हैं कि भगवान की प्रसन्नता होती है, कृपा होती है, तत्प्रसाद वसाद, भगवान के प्रसाद रूपी अनुग्रह के कारण बल से तत्फलम कर्ता प्राप्नोति, उस फल को ये कर्ता जो है प्राप्त करता है।
इति भगवता उक्तत्वात् भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, और भी बहुत जगह पर है ये, इसलिए ईश्वर पूजार्थम कर्म इति गम्यते। ये देखो ये कर्म हो गई पूजा, ईश्वर की पूजा, ईश्वर पूजार्थम कर्म, ईश्वर पूजाया इदम, यदि ईश्वर पूजा कर्म ईश्वर की पूजा के लिए होता है ये निश्चित होता गम्यते। तथा च तत्प्रतीकत्व ओंकार से, हाँ, और ओंकार का ओंकार है परमात्मा का प्रतीक है ना, इसलिए प्रतीक होने से कर्म भी ओंकार की पूजा हो, ठीक है, कर्म के द्वारा पूजा होती है परमात्मा की, अब परमात्मा का प्रतीक कौन होगा, ओंकार, इसलिए पूजा भी किसकी होगी, ओंकार की होगी, हाँ ये बोल रहा है, इसलिए बोलते हैं कि तत्प्रतीकत्वात् ओंकारस्य तत्पूजार्थम, तत्लक ओंकारस्य तस्य पूजार्थम ओंकारस्य पूजार्थम कर्म इति युक्तम, ये युक्ति युक्त है, मतलब विरुद्ध नहीं है, प्रामाणिक है ये। वैदिकम कर्म अक्षर पूजार्थम इति अक्षरम स्तुत्वा विधांतरण स्तौति किंच। देखो कहते हैं वैदिक जो कर्म होता है, कर्म में भेद होता है वर्णाश्रम को लेकर, सब है ना, सबके लिए समान कर्म नहीं होता है, यदि भी परमार्थ में कोई भेद नहीं है, आत्मा में कोई भेद तो है ही नहीं, हाँ वो तो अभेद है उसमें, है ना, सजाति आदि कोई भेद है ही नहीं परमार्थ में, लेकिन ऐसे हैं सजाति आदि भेद रहित परमात्मा ज्ञान जब तक नहीं हो रहा है, हाँ तब तक भेद मालूम पड़ता है, हाँ अपने को मनुष्य मान रहा है, अपने को मनुष्य मान रहा है कि नहीं, तो मान रहा है इसलिए तो उसको कोई पशु बोल दो, जिस व्यक्ति को कोई पशु बोल दिया तो बिगड़ जाता है कि नहीं, इसका मतलब उसमें भेद है कि अभेद है, अपने को जो भी मनुष्य मान रहा है तो भेद ना है, उनको भेद प्रतीत हो रहा है, और वास्तविक मान रहा हो मिथ्या तो नहीं मान रहा है, हैं, इसलिए मनुष्यत्व आदि का जो भेद है तो कर्म का भी भेद होगा, है ना, इसलिए लोग छुपाते हैं, हाँ कोई मान लीजिए नीच वर्ण का हो, नीच आश्रम का हो, आश्रम की बात छोड़ दीजिए वर्ण है, हाँ फिर जब जाति की बात आएगी ना, अरे भी सब काहे को भेद में पड़े हो, हाँ तो ऐसे नहीं, हाँ जब भेद है तो, हाँ जब भेद बुद्धि हो रही है तो कर्म में भी भेद बुद्धि होनी क्या चाहिए, वर्ण में जो भेद है कि नहीं, अभिमान हो रहा है मनुष्यत्व का, अभिमान हो रहा है, इसलिए कर्म भी मनुष्यत्व अनुकूल होना चाहिए, और वर्णाश्रम के द्वारा भेद भी होना चाहिए, समझ में कि नहीं, ऐसा होता है, हाँ परमार्थ में कोई भेद नहीं है, लेकिन परमार्थ में अभेद का जब ज्ञान नहीं हो रहा है तो भेद तो है ही हो, इसलिए भेद मान करके व्यवहार करना चाहिए, ऐसा होता है, तब जाकर के चित्त वो भी उसको भी निष्काम भाव से करेंगे तो चित्त शुद्ध होता है, और केवल युक्ति मात्र से कुतर करने से चित्त शुद्ध नहीं होता है, ये जरा सा समझ के रखना चाहिए। वैदिकम कर्म अक्षर पूजार्थम, अक्षर जो ओंकार की है, ओंकार की पूजा के लिए है, इसलिए अक्षर की स्तुति हो गई, और विधांतरण दूसरी प्रक्रिया से भी स्तुति स्तुति करते हैं। देखो भाई किंच थोड़ा सा भाष्य देखो, महिमना रसेना, ये था महिमना रसेना मंत्र माया, महिमना रसेना ये तो प्रतीक हो गया शब्द का, किम चलो और भी एतस्यैव अक्षरस्य महिमना, महिमना का अर्थ महत्वेन, महान कौन महान, यहाँ पर ऋत्विज यजमानादि प्राणैः इत्यर्थ, कहते को ऋत्विज न हो, यजमान न हो, है कि नहीं, और क्या कह दिया, प्राण ये न हो तो कर्म कैसे होगा, इसके बिना तो कर्म हो ही नहीं सकता है, और आदि से क्या लाना चाहिए, यजमान आदि लिखते हैं, देखो गृहस्थ ना है
इसलिए पत्नी भी तो होना चाहिए। ये देखो लेकिन टीकाकार यजमानादि इति आदिपतेना पत्नी गृहते, आदि शब्द से पत्नी को भी लेना चाहिए। पत्नी बोलते हैं पत्युर्नो यज्ञ संबंधी स्त्री इति पत्नी, पाणिनि सूत्र है पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, एक सूत्र है पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, है ना। पति शब्द से क्या गीप होता है मेरे ख्याल से, और फिर जो न आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, न कोई आगम है पति, आगे जो है गीप हो जाएगा, न आगम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, हाँ जो है पत्नी हो जाएगा। इकार को नकार होता है मेरे ख्याल से, पति हाँ नकार हो जाएगा तो पत्नी हो जाएगा, ठीक। लेकिन सूत्र तो ये है पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, तो पत्नी शब्द का विग्रह होगा हाँ हाँ पत्युहो यज्ञ संबंधी स्त्री इति पत्नी, तो पत्नी शब्द का भी गण हो जाएगा। प्राणे ही त्रय विहितम कर्म वर्तते इति संबंध, ऐसा अन्न कर लो। ये सब ऋतुजादि प्राण आदि के द्वारा ही तीन प्रकार के कर्म का होता है, संपादन होता है। आगे वर्तते है ना, वर्तते शब्द है भाष्य में देखा तो, तथा एतस्य एव अक्षरस्य रसना ब्रीजवादि रस निर्वृत्तेन हविषा इत्यर्थ। वर्तते कहाँ पर, अध्याय कर लो कोई बात नहीं, अध्याय कर लीजिए। ये तीन प्रकार के कर्म का कर्म संपादित होता है ऋतुजादि के द्वारा, ऐसा लो। तथा एतस्य एव अक्षरस्य रसेन, रस शब्द से क्या लेंगे पते, ब्रीही जवादि रस निर्वृत्तेन हविषा इत्यर्थ। ये देखो भाई ब्रीही जवादि रस इसे संपादित कौन है, हविष, हविष मतलब द्रव्य है ना, घृत आदि द्रव्य, इसके द्वारा भी तो वैदिक कर्म होगा, ऐसा है। हविषा इत्यत्रापि नटिका अरबी है, यथा अक्षर विकारे, इसको कल करते हैं थोड़ा सा रह गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ठीक है।